हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयुर्मेडिकल क्लासेस। और अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं अपने टॉपिक शालक्य तंत्र के मुख रोग के पार्ट टू के। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पार्ट टू में आपको मैं दंत, तालु, कंठ और शर्प इनके बारे में बताऊंगी। तो हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अगर देखें तो हमारा पहला वीडियो जो ओस्ट, जीहा और दंत मूल और दंत पे आ चुका है। जो नेक्स्ट पार्ट है, इस पार्ट में हम पहला टॉपिक तालु। अब तालु पे आप देखो जरा, तो गल, तुंडी और मांस। अब मांस तालु तीन, तो इसी कैसे क्या करना है, पूरा सीक्वेंस ये है, ठीक है, रोग का। अब इस रोग में हम गल, शुंडी का, तुंडी, केरी, अर्धोष, मांस, कच्छा, पर्बुद, मांस संगत, तालु पुटु, तीन तालु के हैं, ठीक है। तो तीन तालु जो यहाँ पे हमने बताया है, तीन तालु, वो इसी को डिकोड कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है टॉपिक पे, इसमें जो तालु है गल, तुंडी और मांस। अब मांस तालु तीन, ठीक है। तो गल, तुंडी दो थे और मांस भी आ गए, तो अब कितने हो गए, तीन हो गए। तो इस तरह से आप देखोगे गल, तुंडी और मांस। अब मांस तालु तीन डिकोड करोगे तो गल से गल शुंडी का, तुंडी केरी से तुंडी केरी, और से अर्धुष, मांस से मांस कच्छप, अब से अर्बुद, मांस शंघा से मांस से मांस शंघा, तालुपुट से। अब तीन तालु में तालुपुपुट, तालुशोष और तालुपाक। तो ध्यान रखना, ये सुश्रुत के जो 65 हमने रोग देखे थे, इन्हीं का हम यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। बाकी की संख्याओं का अभी जैसे वाग भट्टाचार्य, उनकी नहीं बात करें। तो हमारा ये ट्रिक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, तालु के बाद कंठ। कंठ के कितने हुए, टोटल 17। तो अगर सीक्वेंस देखोगे तो ये हैं पूरे, और इतना याद कर, जिसको ऐसे याद हो जाए वो वैसे भी याद कर सकता है, जिसे नहीं हो तो ट्रिक के लिए। तो ट्रिक पे चलते हैं। तो 17 अगर हम ट्रिक देखेंगे तो एक छोटी सी स्टोरी के साथ हम इसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए स्टोरी क्या है कि एक बलास नाम का व्यक्ति है, ठीक है, बलास। अब इसी क्या है कि इसका कंठ बहुत अधिक बलवान है, ठीक है, तो जो स्वर हैं बहुत अच्छे हैं। तो हुआ क्या कि कंठ अधिक बलवान बलास का, तो हुआ क्या, एक वैद्य हैं जो वृद्ध हैं, उन्होंने क्या किया, जब उसका अभिमान बहुत था तो उसने सात, एक वृद्ध वैद्य जो है उन्होंने सात गिलोई गिलायु दिए, और जो गला था वो गलौद का स्वर मान। अब उसमें क्या हो गया, रोग हो गया। तो उसे भी बहुत अभिमान था, उसका बहुत बलवान था बलास का कंठ। तो उन्होंने क्या किया, एक वृद्ध आए और उन्होंने सात गिलायु दिए, जिससे गला क्या हो गया, गलौद का स्वर हो गया, जैसे एक भरा वरा खराब हो गया उसका गला, और उसमें मांस विदाई रोग हो गए। तो बस इसी ट्रिक को आप ऐसे डिकोड करोगे। तो अब देखो कंठ से कंठ शालुक, अधिक से अधिजिया, बलय से बला, बल से बलय, और बलास से बलास, एक वृद्ध से एक वृंद और वृद्ध, ठीक है। नेक्स्ट अगर आओगे तो सात से सतंगनी, गिलायु से गिलायु, गल से गल विद्रधि, गलोद, और स्वर से स्वरग्न, मान से मानस्थान, और विदारी से विदारी। अभी आपके 17 में इतने कंप्लीट होने के बाद क्या बचते हैं, 5 बचता है वात, पीत, कफ, रक्त और संधिपातज। तो ये क्या 5 प्रकार की रोहिणी होती हैं, जो इन पांचों को वात, पीत, कफ, रक्त और संधिपातज से। तो ये दोनों ट्रिक आपको देखो इजी वे में है, और आप चाहो तो इसे बार बार बस रिपीट करोगे और अपना एफर्ट लगाओगे, याद हो जाएगा। लास्ट वन बचता है सर्व। तो 3 से 4 मिनट में आपकी ट्रिक कंप्लीट होती है। और ये हुआ सर्व। सर्व तो वात, पित्त, कफ, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप इजीली वे में इसे याद कर सकती होती। तो जिसने चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे ऐसे बने रहना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक, शेयर और बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।